अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारा प्यारा किचन। चलिए जी, आज हम बनाएंगे बिहारी फिश फ्राई। तो यहाँ देखिए, ये 1 किलो मैंने ली हूँ प्यासी मच्छी। तो इसको देखिए, इस तरीके से क्यूब में मैंने कट कर ली हूँ। तो अब चलिए इसको बहुत अच्छा सा अभी हम मसाला लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 1 चम्मच भर के डाल दूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 नींबू का रस है ये डाल देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग नमक ले लेते हैं, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से रखिए। आधा चम्मच हल्दी ले लेते हैं, पाउडर हल्दी का, आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के मिर्च पाउडर, जायफल और जावित्री का 2-3 चुटकी लेंगे, 2 चुटकी लेंगे, जीरा पाउडर आधा चम्मच, जरदाई रंग लेंगे हम 5-6 चुटकी। रंग इससे अच्छा आएगा, अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, नहीं तो नहीं डाले। उसके बगैर भी हमने कश्मीरी मिर्च पाउडर डाले, उससे कलर अच्छा आएगा। 1 काली इलायची को देखिए कूट ली हूँ, ये इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पे देखिए, 4 चम्मच मैंने ली हूँ अरारोट, ये डाल दूंगी। बहुत अच्छी और बहुत क्रिस्पी बनती है ये मच्छी, बनाना ज़रूर एक बार ट्राई करना हमारे तरीके से, इंशाल्लाह रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही में शेयर भी करना। जो नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलिए यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी की थोड़ी ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा पानी भी हम डाल देंगे इसमें। देखिए जी, सारे मसाले लगा लिए बहुत अच्छे से, इसको अभी हम इसको फ्राई करेंगे। जी देखिए, तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया, तो यहाँ पर अभी 1-1 पीस उठा के डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह, शुरुआत पे थोड़ा दूरी दूरी पे रखेंगे ताकि चिपके नहीं एक दूसरे को। ये चलिए जी, इसकी साइड चेंज करेंगे, डालने के साथ फौरन ही नहीं चेंज करना, 2 मिनट रुक के इसको साइड है तो चेंज करना। अब यहाँ देखिए, इनको पलटा लेंगे अच्छी तरह से, ये देख रहे हैं कितने मज़े से ये पलटी हो गई है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना रेसिपी, तब समझ में आएंगी। चलिए जी, यहाँ देखिए बहुत मज़े की हमारी एकदम क्रिस्पी प्यासी मच्छी तैयार है। तो ये देखिए, आप भी इस तरीके से बनाना, ये देखिए कितना आराम से कम इन्ग्रीडियंट में टेस्टी से जायकेदार मच्छी तैयार है। कभी दिल करे तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए इसको अब मैं निकाल लेती हूँ। देखिए, देख के मुंह में पानी आ रहा है ना, इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनी है ये देखिए। तो चलिए इस तरीके से बाकी की जो बची है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। चलिए जी, हमारी देखिए फिश फ्राई तैयार है। तो ये देखिए आप, कितनी क्रिस्पी और कितनी मज़े की टेस्टी सी बनी है। तो आप इसे ज़रूर एक बार घर में बनाना, और आपकी क्या राय है ये भी कमेंट में बताना। दोस्तों प्लीज़, हमारी गुजारिश है आपसे, रेसिपी देखते हो तो चैनल को लाइक भी किया करिए। अब ये देखिए, यहाँ पर इसको रख लेती हूँ मैं, है ना मज़े की रेसिपी। कभी भी दिल किया तो इस तरीके से बनाना। तो चलिए जी, आपका बहुत सा ख्याल रखना, हमें भी दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।